ये आप घर देखिए, रेखा मैडम का घर है। रेखा जो हीरोइन है पुरानी हमारी बॉलीवुड की, उनका घर है साउथ इंडियन। ओके, कौन सी बिल्डिंग में? अच्छा, इसमें यहाँ टाइगर श्रॉफ का फ्लैट है। देखो, बंगलो आ गया है। चलो, आपको ये भी खिंचवाने के फोटो भाई। तो ये शाहरुख खान का घर है, मन्नत लिखा था। बॉम्बे की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है सब दिखाते हैं। ये देखो स्लम, जो एक 8x8 या 5x5 के घर में लोग चार चार जने एक फैमिली में रहते हैं। वही छतरी सब छप्पर का बना हुआ। ये देखो कैसे रहते हैं लोग। ये आप घर देखिए, रेखा मैडम का घर है। रेखा जो हीरोइन है पुरानी हमारी बॉलीवुड की, उनका घर है साउथ इंडियन। ओके, साउथ इंडिया से है वैसे। और अभी आपको दिखाते हैं सारे एक्टर्स के घर जो यहाँ पे बने हुए हैं। हम इस समय बांद्रा में, मुंबई में, और अभी आपको दिखाते हैं। क्या बात है, ऑलमोस्ट यहाँ सभी एक्टर्स के घर। एक पे जैकी श्रॉफ का लड़का रहता है, क्या नाम है उसका? टाइगर श्रॉफ। कौन सी बिल्डिंग में? अच्छा, इसमें यहाँ टाइगर श्रॉफ का फ्लैट है। देखो आप ऊपर, इसमें रहते हैं। यस, ये वाला जो है टाइगर श्रॉफ का फ्लैट। तो सब लोग अपन ऐसे ही देख रहे, ऐसे ही रहते हैं। ये आया शाहरुख खान का मन्नत। अच्छा, यहाँ खड़े हुए हैं सारे। चलो जी, शाहरुख खान का बंगलो खड़े रहते हैं। शाहरुख खान का बंगलो आ गया है। चलो, आपको ये भी खिंचवाने के फोटो भाई। तो ये शाहरुख खान का घर है, मन्नत लिखा था, बैठा लिया। चलिए, ओके, बांद्रा बीच है। ओके, चलिए करना है। हम खड़े हैं इस समय शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर। ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, ये टाइगर श्रॉफ की है और इसमें फोर्थ माले पे वो रहते हैं। और पीछे इसके सलमान खान की मन्नत है। तो सिंपल ऐसे ही, जैसे सब लोग रहते हैं ऐसे ही रहते हैं। तो कुछ खास दिखाने का था नहीं, लेकिन ये बहुत खास है। ये आपका बांद्रा का बीच, जो कि काफ़ी सुंदर है। लेकिन यहाँ पर भी वही है कि सब कपल वपल सारे बैठे रहेंगे पीछे, और जॉगिंग वाले जॉगिंग कर रहे हैं। सलमान भाई है ना, ये देख सकते हैं आप सलमान भाई का, ये गैलेक्सी अपार्टमेंट ये लिखा हुआ भी है। ये सल्लू भाई का घर है भाई। ये पूरी बिल्डिंग है उनकी, ये पूरी बिल्डिंग। चलिए, अभी यहाँ पे सारे एक्टर्स के घर आपको आसपास ही मिलेंगे। अभी पीछे सबके घर है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, कोई बाहर नहीं आता। घर देखना है तो घर आप वैसे भी देख सकते हो। तो मेरी नज़र में यहाँ से अच्छा कहीं आदमी बीच बीच में चले जाए, ज़्यादा अच्छा है। अब चलेंगे रोहित शर्मा विराट कोहली घर दिखाएंगे। चलिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली घर जरूर देखना है अपन। रोहित शर्मा विराट में से तो कुछ अभी बंदे हैं ना। वाह, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है कैफे मोंडेगर। और यहीं से जस्ट नीचे सारी लोकल मार्केट है। अगर आपको सस्ती शॉपिंग करनी है क्लोज में, और आपका स्पेक्स वगैरह लेना है, गोगल्स लेने हैं, ज्वेलरी लेने हैं, आर्टिफिशियल, सब यहाँ पे मिल जाती है। अभी आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ। तो मॉर्निंग में भी हम यहाँ पर आए थे। चलो एक बार दिखाते हैं, तो आप जरूर से ट्राई करना। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज है हमारा दूसरा दिन जो हम पर्टिकुलर मुंबई में, यानी कि बॉम्बे में हम कवर कर रहे हैं। मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे कि मुंबई की अगर बात करें, तो मुंबई का नाम पहले बॉम्बे था। जी हाँ,
बॉम मैंने कहा जाता है कि बीच जहाँ पे समुद्र होता है और बे मैंने जहाँ पे खुशी होती है, यानी कि वो बीच जहाँ पे खुशी आए, ये अंग्रेजों ने नाम रखा था यहाँ पर। और अगर मैं कहूँ आपको तो, और उसका बाद में इसका नाम मुंबई पड़ा, और ये पड़ा था लगभग 1905 में। और वो क्यों पड़ा था, क्योंकि मुंबई में मुंबा देवी के नाम से फेमस मंदिर है, तो कहते हैं कि मुंबा देवी की कृपा है, यहाँ पर कभी पानी की कमी नहीं आएगी, तो उस नाम से यहाँ पर मुंबई नाम पड़ा है। ठीक है, ये बात आपको पता लग गई होगी। हमने काफ़ी सारे डेस्टिनेशन कवर किए, आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। कुछ चीज़ें मैं नहीं दिखा पाया ड्यू टू रीज़न ऑफ प्राइवेसी, और कुछ चीज़ें मैं दिखा पाया जो कि पॉसिबिलिटीज थी। अभी मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, उपमा है, कॉफ़ी है, और बाकी फैमिली भी अभी क्या कहते हैं रेडी हो रहे हैं। आज हमारे पास ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है सिद्धि विनायक और लक्ष्मी माता का टेम्पल, और एक जू बचा है। आई होप कि वो टाइम मिल जाए, क्योंकि इवनिंग में हमारी ट्रेन भी है, तो वो भी हमें टाइम पे लेनी है। ठीक है, सो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो के लास्ट में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वैसे ऑलमोस्ट बता दूंगा। आप मुंबई में अलग अलग तरीक़ों से घूम सकते हो, आपको अगर थोड़ा सा फैमिली आपकी बड़ी है, मतलब छोटे बच्चे भी हैं, जैसे मेरे पास दो बेबी है, तो हमने क्या किया, प्राइवेट टैक्सी करी, वो ऑलमोस्ट एक दिन का 1500-2000 एज़ पर द डेस्टिनेशन डिस्टेंस वो लेते हैं। लेकिन अगर आप कवर कर सकते हो, पैसे बचा सकते हो अपने, तो यहाँ पर बसेस चलती हैं जिनके अलग अलग नंबर हैं, जैसे 106, 116 है ना, 115, ये इस तरह से। तो आपको थोड़ा सा स्टडी करनी है, और अलग अलग लोकेशन की अलग अलग बसें हैं, सब ऑनलाइन डिटेल है, तो आप बस से सफ़र करें, आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, बाकी टैक्सी वैक्सी जो रहते हैं वो 28 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं। ओके, सबसे पहले मैप का यूज़ ज़्यादातर कर लें, जो नियर अबाउट प्लेसेस हैं वो आप कवर कर लें। ठीक है, बाकी इसके ऊपर मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा आगे। अपना प्यार देते रहिए, मिलते आगे आपसे, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ये देखो मरीन ड्राइव, इस समय सुबह का टाइम है और कपल्स बैठे मिलेंगे आपको यहाँ पर। क्या बात है, कपल्स सबसे बेस्ट लोकेशन है। कितने किलोमीटर की है अप्रोक्स? तीन चार किलोमीटर लगभग है ये, और अभी यहाँ पर कुछ मेट्रो का काम चल रहा है, फ्लाईओवर भी बन रहा है कुछ है, तो इसलिए इसको बंद किया हुआ है, आधे को आधा खुला हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं सीधा सिद्धि विनायक और लक्ष्मी टेम्पल, एक शिव जी का टेम्पल है, सब कवर करेंगे आज के अपने इस वीडियो में, तो बने रहना। ठीक है, इंडिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है मेरे सामने, ये आप देख सकते हो, ट्विन टावर बोलते हैं इसको, ये आपको दिख रही होगी, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, और यहीं पे बराबर में ये जो टावर दिख रहा है ब्लैक सा, यहाँ पर अक्षय कुमार रहते हैं, और इसके जस्ट बगल में इस बिल्डिंग के पीछे ये अंबानी का हाउस है, सब यहीं पर ही मिलते हैं साउथ मुंबई। सो गाइज, अभी हम हैं साउथ मुंबई के एक फेमस टेंपल में, जो कि है बाबुलनाथ जी का टेंपल, और ये शिव जी का मंदिर है, काफ़ी फेमस है। अभी यहाँ पर चलते हैं और आपको सीधे दर्शन कराते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, अगर आप यहाँ आए मुंबई में, तो यहाँ पर टेंपल्स बहुत कम है, वेस्टर्न कल्चर है इसीलिए, लेकिन जो है वो हम आपको दिखेंगे। चलिए, ये देखिए आप सीधा मंदिर जाने का रास्ता, यहाँ पर बाहर आपको इस तरह से प्रसाद वगैरह मिलेगा, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए गणेश जी को जय करो, जय गणेश जी महाराज। आप ये कवर करते रहे, इस तरह से आप जब आओगे तो लिफ्ट मिलेगी यहाँ पर, जिसका चार्जेस 1 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन। तो लिफ्ट से हम आ चुके हैं ऊपर, बाकी आप स्टेयर से भी आ सकते हो, लेकिन वो क्या है, थक जाओगे,
लिफ्ट वगैरह की सुविधा भी है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और मैंने चलिए अब चलते हैं सीधा, और ये पीछे का नज़ारा कुछ ऐसे ही। बच्चों आप कहाँ जा रहे हो? चलो मंदिर भी आ गया, ये आ चुका है सामने जूता घर, और उसके बाद सीधा मंदिर चलते हैं। हो सकता है मंदिर में आपको अलाउ ना करे। चलो ये आप देख सकते हो, ये पूरा मंदिर का दृश्य है, बाबुलनाथ टेंपल जो कि शिव जी का मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है। और कितनी हाइट पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्टेयर्स हैं जो यहाँ से नीचे जाती हैं सामने, आप ऐसे भी आ सकते हैं, और हम सीधा लिफ्ट से आए हैं। तो काफ़ी पुराना फेमस मंदिर है, तो अभी बात कराते हैं पंडित से, पूछते हैं यहाँ के बारे में। लेट्स सी। तो अभी हमें मंदिर के अंदर भी कुछ खास फोटोशूट के लिए मना किया है यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी शांत और काफ़ी बढ़िया, काफ़ी पुराना प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का। और कुछ पल आपको मैंने दिखाए होंगे यहाँ पर, आप भी अपने घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। कुछ इतिहास जानने का मन में था, देखते हैं कि पंडित जी मिलते हैं तो उनसे जानते हैं। तो अभी मैंने जब ऊपर मंदिर में जो अपने कमेटी के लोग होते हैं उनसे पूछा कि भाई कुछ हिस्ट्री के बारे में बता दो, तो गार्ड ने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे ऑफिस वाले बताएंगे। और ऑफिस जो था मंदिर का उसमें काफ़ी सारे लोग बैठे थे, मैंने पूछा नहीं। तो कुल मिला के बात यह कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, ठीक है। और यही मुझे देखो बताना तो थोड़ा सा आपको कि मुंबई में खास बात यह है कि यहाँ पर टेंपल्स बहुत कम है, लिमिटेड है, 2-4-5 आपको मिलेंगे, किसी गली मोहल्ले में कोई मिल गया तो अच्छी बात है, बहुत कम मिलते हैं। तो भाई जो भी है ना दिल खुश हो गया आकर, 2-3 दिन से यहाँ पर है, एक भी टेंपल में नहीं गए थे, आज गए। अब चलते हैं नेक्स्ट सिद्धि विनायक लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में, उसके बाद आपको जू भी घुमाएंगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। अभी लोगों ने बताने से कैमरे मैन से मना किया, लेकिन पता लग गया है मुझे, ये जो टेंपल है बाबूलनाथ जी का, ये 400 साल पुराना टेंपल है। और यहाँ पे कहते हैं कि जब शिव जी प्रगट हुए थे, स्वयं हुए खुद प्रगट हुए थे, कोई बनाया हुआ नहीं है, और जब प्रगट हुए थे तो छोटे साइज में थे, और धीरे 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 उनका आकार बढ़ता गया। और यहाँ पर कहते हैं जो मन्नत आप मांगते हो वो पूरी होती है। अब आपको यहाँ आना है तो कैसे आना है? आपको यहाँ आना है तो साउथ बॉम्बे में मरीन ड्राइव आपने देखा होगा, वहाँ से होकर रास्ता आता है, लगभग वहाँ से 2 किलोमीटर रहेगा। तो आप गूगल पर सर्च करके भी आ सकते हैं बाबुलनाथ टेंपल के नाम से, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, तब तक के लिए बने रहना वीडियो। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सामने ये महालक्ष्मी टेम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लेके चलते हैं, काफ़ी फेमस टेम्पल है मुंबई का। अपन सीधे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे, वैसे अंदर अलाउ नहीं है कैमरा वगैरह, बाहर से ही आपको बताएंगे। तो ये भी लगभग वहाँ से जो पहले मैंने टेंपल दिखाया बाबूलनाथ जी का, वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर अप्रोक्स ही पड़ता है। चलिए चलते हैं। यहाँ गली से जाना होगा, और
ये देखो जब मैं मंदिर जाओगे तो रास्ते में इस तरह की डोसे की दुकानें मिलती हैं। ये डोसा मिलता है यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा, ये आप यहाँ पे ज़रूर टेस्ट करना। अपन वो सामने दूर आप देख रहे हैं वो है माँ लक्ष्मी टेम्पल, और ये सारी दुकानें यहाँ से आप प्रसाद वरसाद जो चाहे ले सकते हैं। तो मंदिर 11:45 बजे बंद होता है, अभी 11:20 हो रहे हैं, फटाफट से चलते हैं। तो अभी हमें महालक्ष्मी मंदिर के जस्ट बाहर, और यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं दिखा नहीं पाया आपको, लेकिन मेरे पीछे आप स्टेयर्स देख सकते हैं। लगभग 100 स्टेयर्स के बाद जो है टेम्पल आपका आ जाता है। तो बहुत 11:45 बजे तक यहाँ पर मॉर्निंग में दर्शन होते हैं, सुबह 6 बजे मंदिर खुल जाता है और दोपहर के 12 से पहले ही आपको पहुँचना होगा। ये सारी पीछे प्रसाद के स्टॉल्स हैं यहाँ पर, जो आप लेना चाहे। मेन जो है लक्ष्मी माता को कमल का फूल चढ़ता है, तो वो आप इस तरह से कमल का फूल लेकर ज़रूर चढ़ाएँ। बाकी अगर कमल यहाँ से नहीं मिलता तो आप अपने पास से भी ला सकते हैं, ऐसा कोई बंदिशें नहीं है। और जब आप यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। और यहाँ पे फेमस मिलता है आपको डोसा, जो कि बहुत लंबा लगभग 2.5 मीटर 1 मीटर का डोसा होता है, 2.5 फीट वो आगे शॉप। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो सारी शॉप्स आपको पीछे दिखेंगी। तो लगभग अभी लेकर चलते हैं आपको, पूरा बताते हैं वहाँ के बारे में।